नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका एनबी एक्सप्रेस पर। केंद्र सरकार की ओर से पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय के दिल्ली तबादले और उन्हें सोमवार को दिल्ली पहुंचने के आदेश की अवज्ञा करने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा दांव चल दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि चूंकि बंदोपाध्याय आज रिटायर हो गए हैं और इसलिए उन्हें अब मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। ममता बनर्जी ने सोमवार दोपहर बाद ट्वीट कर इस फैसले की जानकारी दी है। ममता बनर्जी ने कहा है कि वह अल्पन बंदोपाध्याय के नबन्ना नहीं छोड़ने देंगी और वे अगले 3 साल तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार रहेंगे। दिल्ली में चल रहे सेंट्रल वेस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण पर रोक नहीं लगेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस प्रोजेक्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने याचिका लगाने वाले शख्स पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट को जबरन रोकने के लिए याचिका लगाई गई थी। और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अलीगढ़ शराब कांड में 70 से ज्यादा मौतों के बाद कार्रवाई, प्रशासन अब जागा है। आबकारी आयुक्त पी गुरु प्रसाद हटाए गए, तो इस वक्त की बड़ी खबर, आबकारी आयुक्त को हटाया गया। बीजेपी सांसद ने कहा डीएम को भी हटाएं, अफसरों को भेजें जेल। लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में शराब कांड होते नजर आ रहे हैं, उसके बाद एक ये भी 70 लोगों की मौत हो गई है, उसके बाद अब ये बड़ी कार्रवाई की गई है। संयुक्त आबकारी आयुक्त आगरा समेत अलीगढ़ जोन के अधिकारी निलंबित किए गए हैं। अलीगढ़ जहरीली शराब कांड हम नहीं रहा मौतों का आंकड़ा, लगातार अब तक जो आंकड़े आ रहे हैं 70 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी इस आंकड़े को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा आबकारी आयुक्त पी गुरु प्रसाद को हटा दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी सांसद ने डीएम को भी हटाने की मांग की है और अफसरों को जेल भेजने के लिए बात कही है। आपको बता दें कि अलीगढ़ में जिस तरीके शराब कांड में अब तक 70 लोगों की मौत हो चुकी है, उस पर सांसद का ये बड़ा बयान आया है। सांसद ने कहा है कि जो भी अधिकारी इसमें दोषी हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अनुज कुमार, संवाददाता लखनऊ से। हैं अनुज, जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में आए दिन शराब कांड के मामले सामने आते हैं और ये हालिया मामला जो अलीगढ़ से आया है, अब तक 70 लोगों की मौत हो गई है, ये बड़ी कार्रवाई की गई है, आबकारी आयुक्त को हटाया गया। जी बिल्कुल, अलीगढ़ का जो मामला शराब कांड को लेकर तमाम तरह के सियासी गतिविधियां भी तेज हो गई थी, उसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी ने और तमाम तरह के लोगों को जो अधिकारी थे उनको सस्पेंड किया। उसके बाद एक बड़ा फैसला लिया गया जिसमें आबकारी आयुक्त अलीगढ़ निलंबित किए गए हैं, आबकारी आयुक्त आगरा को निलंबित कर दिया गया है। ये खबर का एएनबी का असर हुआ है, उसको लेकर अलीगढ़ शराब कांड का बड़ा मामला अपडेट आ रहा है कि अब रविशंकर पाठक या संयुक्त अभियारी आयुक्त आगरा जोन को अब संयुक्त अधिकारी अधिकृत लखनऊ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। यही कारण है कि अब लगातार जो शराब कांड को लेकर जो सहमा गर्मी थी और तमाम तरह के जो चल रहे थे कांड को लेकर, प्रशासनिक अपने को बड़ा एक चोट पहुंचाई गई है, जिसमें कि बड़े अधिकारियों को अब निलंबित करने की कार्रवाई लगातार जारी है। अब आने वाले समय में देखा जाएगा कि और आगे कितनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जी अनुज, लगातार अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा साफ है कि किसी भी तरीके के कोई अपराध ना होने पाए और इस तरीके का जो अवैध शराब का कारोबार है उस पर भी सख्ती लगाने की बात कही गई थी। लेकिन ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो चाहे बाराबंकी का जिक्र करें, सीतापुर का जिक्र करें, कानपुर का जिक्र करें, ये सारे मामले अभी ठंडे भी नहीं हो पा रहे हैं। लगातार जिस तरीके से यहां से मामले आए हैं और अब ये अलीगढ़ का मामला सामने आया है, ये बेहद संवेदनहीनता अधिकारियों की कही जाएगी। और जिस तरीके से सांसद ने कहा है कि डीएम पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल, अलीगढ़ जो प्रकरण है, आबकारी आबकारी विभाग के संयुक्त अभियारी आयुक्त हैं आगरा जोन रविशंकर पाठक एवं जो आबकारी आयुक्त अलीगढ़ मंडल के ओपी सिंह, और तत्काल प्रभाव से इनको निलंबित किया जाता है, तो विभागीय कार्रवाई भी इनकी की जाती है। और निलंबित दो अधिकारियों के कुल मिला के 7 अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई, जिसमें रविशंकर पाठक और संयुक्त आबकारी आयुक्त आगरा जोन आगरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए धीरज सिंह, संयुक्त
आबकारी आयुक्त लखनऊ को अतिरिक्त प्रभार दिया था और यही ओपी सिंह उप आबकारी आयुक्त अलीगढ़ प्रभार और अलीगढ़ को तत्काल प्रभाव से नियमित करते हुए ये मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो तत्काल योगी आदित्यनाथ ठीक है और तमाम तरफ के मूवमेंट चालू किए, अभियान चालू किए, जिला जिला दर जिला की अभियान इसको रखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो चले शराब को लेकर जो सामने जो समीकरण निकल के आया चाहे बुलंदशहर हो, आगरा हो या प्रतापगढ़ हो, लखनऊ हो, उनके कठोर कार्रवाई की जाए क्योंकि अभी से अभी तक देखा जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अनुज तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर जिस तरीके से अलीगढ़ शराब कांड में 70 लोगों की मौत हो गई है और उस पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। एनबी एक्सप्रेस में आगे आएंगे और खबरों का रुख करेंगे। कोरोना संक्रमण को लेकर एक मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने दावा किया है कि 2021 के अंत तक 18 साल से ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण हो जाएगा। सरकार ने कोर्ट को यह भी बताया है कि जनवरी से अब तक 5% लोगों की ही वैक्सीन की दोनों डोज मिल सकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि टीकाकरण की गति को और तेज करने के लिए जून 2021 में टीकों की कुल उपलब्धता में और वृद्धि होगी। जून 2021 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास लगभग 12 करोड़ खुराकें उपलब्ध होंगी जिससे वे टीकाकरण संख्या बढ़ाने में सक्षम होंगे। कोरोना से कराहती दिल्ली में स्थिति नियंत्रण में आने के बाद अब दिल्ली सरकार अनलॉक की ओर आगे बढ़ रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिल्ली में वैसे तो लॉकडाउन 7 जून सुबह 5 बजे तक बढ़ाया गया है लेकिन औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने के नियमों में ढील दी गई है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जीडीपी का आंकड़ा पेश कर दिया है। जीडीपी ग्रोथ पर कोरोना महामारी साफ असर दिख रहा है और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट -7.3% रही जबकि खुद केंद्र सरकार ने इस साल फरवरी में पूरे वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान जीडीपी में 8% की गिरावट का अनुमान लगाया था। सपा सांसद आजम खान की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है। वह कई दिनों से लखनऊ के मेदांता अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। कोरोना होने के बाद उन्हें मेदांता के कोविड आईसीयू वार्ड में एडमिट कराया गया था और लेकिन अब उन्हें आईसीयू वार्ड में शिफ्ट करने की तैयारी है। भारत से फरार हीरा कारोबारी और पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का सह आरोपी मेहुल चौकसी के वकील ने बताया कि चौकसी की डेमोनिका में पिटाई की गई है और बिजली से करंट भी दिया गया है। अस्पताल से मेहुल चौकसी की तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें उसके हाथ में मारपीट के निशान दिखाई दे रहे हैं। अलीगढ़ में जहरीली शराब का प्रकोप अभी भी जारी है। लगातार चौथे दिन भी लोग शराब के असर से मर रहे हैं। आज मौत का आंकड़ा बढ़कर लगभग 80 तक पहुंच गया है। वहीं शराब फैक्ट्री में मिथाइल अल्कोहल की सप्लाई करने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर लिया गया है। फाइव जी टेस्टिंग को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि 5G की टेस्टिंग से किसी को कोई नुकसान नहीं होगी। यही कि जूही की याचिका पर अब कोर्ट 2 जून को सुनवाई करेगा।
कोरोना से जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिजनों को छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ी राहत दी है। दरअसल छत्तीसगढ़ की सरकार कोविड 19 के चलते जान गंवाने वाले मीडिया कर्मियों के परिजनों को 5 लाख रुपए का वित्तीय सहयोग देगी और सीएम के इस फैसले की जानकारी एक अधिकारी ने दी है। मध्य प्रदेश में महामारी के दौरान करीब 3000 जूनियर डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर सोमवार से हड़ताल पर चले गए हैं। जूनियर डॉक्टर सरकार से मुख्य तौर पर उनका मानदेय बढ़ाने और कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर उन्हें और उनके परिवार के मुफ्त इलाज की मांग कर रहे हैं। कोरोना काल में लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने अब ईपीएफओ में बदलाव किए हैं। इससे अब सब्सक्राइबर्स दूसरी बार नॉन रिफंडेबल कोविड एडवांस का फायदा उठा सकेंगे और इसके तहत खाताधारक अपने पीएफ खाते में जमा राशि का 75% या 3 महीने की सैलरी के बराबर की राशि खाते से निकाल सकेंगे। दिनभर के उतार चढ़ाव के बाद सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को सेंसेक्स निफ्टी हरे निशान पर बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 514.56 अंक यानी 1% ऊपर रहा और वहीं 91,937.44 के स्तर पर बंद हुआ। यूपी में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए संक्रमण से बचने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है, जिसके चलते प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों को सैनिटाइज किया जा रहा है और वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में भी कोविड 19 के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए ग्राम पंचायतों ग्राम सभाओं में व्यापक रूप से सैनिटाइजेशन का काम किया गया। यूपी के मिर्जापुर में कोरोना कर्फ्यू के बीच कांग्रेस ने नगर के मिशन कंपाउंड स्थित पार्टी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश के शिक्षा मंत्री और केंद्र सरकार के खिलाफ कोरोना कर्फ्यू के बीच कांग्रेस कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रदर्शन के दौरान मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग नदारा दिखी। जनता के बीच जाकर उन्हें राहत देने के बजाय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगना और केंद्र सरकार को कोसा गया। यूपी में बिजनौर के मड़ावली थाना में पुलिस कर्मियों की बड़ी राहत मिली, क्योंकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर स्थित मंडावली थाने में पुलिस अधीक्षक ने अत्याधुनिक फर्नीचर रसोई के साथ भोजन कक्ष का उद्घाटन किया, जिसके चलते पुलिस कर्मियों ने राहत की सांस ली। बता दें कि थाना उत्तराखंड बॉर्डर पर होने के कारण थाने के अंदर मैस तो उपलब्ध था, लेकिन पुलिस कर्मियों के लिए भोजन कक्ष नहीं था। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ये मामला नंगोला का है, जहां जंगल में एक महिला का शव हत्या करके फेंक दिया गया था और जिसके बाद महिला के पति ने पुलिस को गुमराह करने के लिए महिला के फोन से ही 112 नंबर पर मामले की सूचना दी और महिला के फोन को शव के कुछ दूरी पर फेंक दिया, जिसके बाद पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर मौके पर पहुंची। यूपी में बाराबंकी के गांव में बीती रात 6 वर्षीय बालिका के साथ हुई हैवानियत पर बाराबंकी के एसपी यमुना प्रसाद ने बताया कि बालिका का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पंचनामा करते समय वह ज्ञात हुआ है कि लड़की के बाईं आंख की तरफ चोट है। परिजनों की तहरीर पर धारा 302 के तहत मुकदमा पंजीकृत आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज टिहरी दौरे के दौरान टीएचडीसी इंजीनियरिंग कॉलेज बीपुरम पहुंचकर जिला प्रशासन द्वारा संचालित 400 बेड संयुक्त कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने पीपीई किट पहनकर कोविड सेंटर में भर्ती मरीजों से बातचीत भी की।
उत्तराखंड के रुड़की में पिरान कलियर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पिरान कलियर विधानसभा कार्यालय पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। बता दें कि यह धरना प्रदर्शन कांग्रेस विधायक हाजी फुरकान अहमद के नेतृत्व में बढ़ती महंगाई और उत्तराखंड में बदलाव हुई व्यवस्था स्वास्थ्य सेवाओं के विरोध में किया गया। इस दौरान विधायक फुरकान अहमद ने कहा है कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल बदहाल हैं। केंद्र में बीजेपी सरकार के 7 साल पूरे होने पर बीजेपी सेवा ही परमो धर्म के रूप में मना रही है, जिसके तहत बीजेपी के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि लगातार गांव-गांव जाकर मास्क और सैनिटाइजर का वितरण कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, चुनाव आते ही बीजेपी को सेवा याद आ जाती है। उत्तराखंड में 8 जून तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है, हालांकि कुछ रियायत भी दी गई है। इस दौरान राशन की दुकानें 2 दिन और स्टेशनरी की दुकान को 1 दिन खुलने के लिए छूट दी गई है। वहीं अब सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी। बता दें कि अब तक ये समय सुबह 8 से 11 बजे तक थी। उत्तराखंड में रुड़की के मंगलौर रोड पर स्थित एक हॉस्पिटल खामिया मिलने पर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। इस मौके पर जिलाधिकारी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सीएमएस समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। अस्पताल पर आरोप था कि मरीजों से इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूली जा रही थी और जिसको स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया और ये बड़ी कार्रवाई की। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का न्यूज एक्सप्रेस में। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर राहुल गांधी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को अपनी पार्टी की ओर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तो हमेशा वैक्सीन को लेकर बीजेपी सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन अब राजस्थान में वैक्सीन की डस्टबिन में मिलने के बाद राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। हरियाणा के सोनीपत जिले में कोरोना और ब्लैक फंगस के डर से मॉडल टाउन के रहने वाले मेडिकल स्टोर मालिक ने मालगाड़ी के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली है। मालगाड़ी के लोको पायलट की सूचना पर पहुंची जीआरपी ने शव को कब्जे में लिया है। इस दौरान मृतक की जेब से सुसाइड नोट भी बरामद किया है। उसमें लिखा था कि वो कोरोना और ब्लैक फंगस के डर से परेशान होकर आत्महत्या कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 7 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी सभी प्रदेशों में सेवा ही परमो धर्म के रूप में मना रही है। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के नेतृत्व में प्रदेश के सभी गांवों में प्रदेश जिला और मंडल स्तर के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां तय की गई हैं, जिसके तहत किसान मोर्चा को 612 गांव सेवा कार्य के लिए सौंपे गए हैं। हरियाणा में पिछले 4 सप्ताह से चल रहा लॉकडाउन 1 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है। हालांकि व्यापारियों और दुकानदारों को बड़ी राहत देते हुए बाजार खोलने का समय 5 घंटे से बढ़ाकर अब 6 घंटे कर दिया गया है। बाजारों में ऑड इवन आधार पर अब सुबह 7 से बजाय 9 बजे दुकानें खुलेंगी और दोपहर 12 बजे के बजाय 3 बजे इन्हें बंद करना होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष खासकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा पर
जमकर कोरोना महामारी पर राजनीति न करने की नसीहत दी है। उन्होंने हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। मनोहर लाल ने कहा है कि सर्वदलीय बैठक बुलाने को लेकर हुड्डा को पत्र का जवाब भी नहीं देंगे और मनोहर लाल केंद्र सरकार पर वैक्सीन नहीं देने के आरोप लगाने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी जमकर बरसे। मध्य प्रदेश में हनी ट्रैप के मामले में कमलनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कमलनाथ सनसनी फैलाने और छपने के लिए बयान देते रहते हैं। अगर उन्होंने उनके पास कोई टेप ऐसा है तो संवैधानिक पद पर उन्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। उन्हें एसआईटी की मदद करना चाहिए और पैन ड्राइव जमा कर देना चाहिए। एमपी के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जनता से अनुरोध किया है कि अनलॉक के बाद जनता कोविड-19 नियमों का पालन करते ताकि भविष्य में सख्त कदम लगाने की आवश्यकता न पड़े। इसके साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि यदि जनता स्वयं एक दूसरे को मास्क लगाने के लिए टोकेगी और प्रेरित करेगी तो निसंदेह अच्छे परिणाम सामने आएंगे। देश में कोरोना के खिलाफ जारी टीकाकरण अभियान को लेकर कई लोग लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। ऐसे में लोगों के लिए अब उज्जैन नगर निगम के आयुक्त ने आदेश जारी किया है कि जो भी निगम का कर्मचारी वैक्सीन नहीं लगवाएगा उसका मई माह का वेतन रोक लिया जाएगा। हालांकि कमिश्नर ने भी कहा है कि जिन लोगों ने वैक्सीन का एक भी डोज लगवाई है उनकी सैलरी नहीं रोकी जाएगी। उज्जैन के सुलिया टिब्बा गांव में मोनिया समाज के लोगों ने काला सिंध नदी के किनारे बड़ी मात्रा में कच्ची महुआ शराब के बनाने की सूचना पुलिस को दी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कच्ची शराब और शराब बनाने में उपयोग होने वाली सामग्री बरामद की है। इसके साथ ही 6 आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। राज्यसभा सांसद संपत्तैया उइके ने नैनपुर के सिविल हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है और कोरोना महामारी जैसी विपरीत परिस्थितियों में काम करने वाले स्टाफ को सराहा है। वहीं अस्पताल में भर्ती मरीजों को फ्लोमीटर मुफ्त में बांटा और इसके अलावा हॉस्पिटल को एक एम्बुलेंस भी मुहैया कराई है। सांसद ने मामले में संज्ञान लेते हुए एसडीएम नैनपुर को ऑक्सीजन प्लांट का काम देखने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बाल बाल बचे हैं। दरअसल सूरजपुर दौरे के दौरान उनके साथ एक बड़ा हादसा होते होते बचा। दौरे के दौरान आसमान में उनके हेलीकॉप्टर के कांच में अचानक दरार आ गई। इसके तुरंत बाद हलचल हो गई। हालांकि पायलट की सूझबूझ से बड़ी घटना होने से बची। जानकारी के अनुसार हेलीकॉप्टर से मंत्री ग्राम धरसेड़ी जाने के लिए निकले थे। खबर मध्य प्रदेश से है जहां महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया और इस मौके पर उन्होंने बच्चों के अकाउंट में राशि भी ट्रांसफर भी की है। और सीएम शिवराज ने ग्वालियर के हितग्राही बच्चों की बात करते हुए कहा कि उनकी पढ़ाई और सपनों की सरकार अब जिम्मेदारी उठाएगी। देश के कई राज्यों में ब्लैक फंगस का कहर जारी है। दिनों दिन केस बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित मॉडर्न लेबोरेटरीज को ब्लैक फंगस संक्रमण के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा इम्फोटेरिसिन बी बनाने का लाइसेंस मिला है। कंपनी के अध्यक्ष अनिल खारिया ने कहा है कि हमने कच्चे माल के ऑर्डर दे दिए हैं। हमारे पास प्रतिदिन 10,000 शीशियां बनाने की क्षमता है। महीने भर के भीतर भोपाल समेत प्रदेश भर में जूनियर डॉक्टर फिर से हड़ताल करने जा रहे हैं, जो कि मानदेय बढ़ाने समेत अन्य 6 मांगें कर रहे हैं और उनके आंदोलन से ब्लैक फंगस व अन्य मरीजों के इलाज में आज मुश्किल आएंगी। जूडा ने कहा है कि मांगे नहीं मानी गई तो मंगलवार से कोविड ड्यूटी का काम भी बंद कर देंगे।
केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन में 2 दिन की देरी हो सकती है राज्य में। अब इसके 3 जून तक पहुंचने का अनुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की यह जानकारी दी है। हालांकि निजी पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर ने कहा है कि मानसून केरल में दस्तक दे चुका है। स्काईमेट वेदर के अध्यक्ष जीपी शर्मा ने कहा है कि इस साल मानसून की शुरुआत बहुत कमजोर। भारत में कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार पर ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है। देश के लगभग 50 दिन के बाद आज सबसे कम नए मामले सामने आए हैं। केरल में आज कोरोना वायरस के 12,300 नए मामले सामने आए हैं और 174 लोग संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। इस दौरान राज्य में कोविड से 28,867 लोग ठीक हुए। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय के तबादले के निर्देश पर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि अलापन बंदोपाध्याय ने आज रिटायरमेंट लेने का निर्णय लिया है। वह उनके मुख्य सलाहकार होंगे जबकि वर्तमान गृह सचिव एचके द्विवेदी मुख्य सचिव होंगे। वह अलापन बंदोपाध्याय का जगह लेंगे। बिहार में दरभंगा जिले के रहने वाली साइकिल गर्ल ने के नाम से मशहूर ज्योति पासवान के पिता मोहन पासवान की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार ज्योति के पिता की मौत हार्ट अटैक से आज सुबह हुई है। बता दें कि ज्योति पिछले साल कोरोना संकट के दौरान लॉकडाउन के लगने के बाद अपने पिता को साइकिल में बैठाकर गुड़गांव से दरभंगा पहुंची थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भारत के साथ रिश्तों को सामान्य करने पर जोर नहीं देना चाहते हैं। इमरान का हालिया बयान इस बात की ओर इशारा कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तानी पीएम ने भारत के साथ रिश्तों को सामान्य करने की संभावना को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा करना कश्मीरियों के साथ धोखा करना होगा। गौरतलब है कि दोनों मुल्कों के बीच रिश्ते लंबे समय से तनावपूर्ण चल रहे हैं। इसराइल की सेना ने एक फिलिस्तीनी शख्स को गोली मार दी है। सेना ने बताया है कि यह शख्स हाथ में चाकू लेकर गाजा पट्टी से देश में दाखिल हो गया था। फिलहाल इसकी हालत कैसी है इस बारे में सेना ने कोई जानकारी नहीं दी है। यह घटना रविवार की बताई जा रही है। मामला ऐसे वक्त में सामने आया है जब हाल ही में 11 दिनों तक चली लड़ाई के बाद इसराइल और गाजा के चरमपंथी संगठन हमास के बीच संघर्ष विराम हुआ है। उत्तर कोरिया ने आज कहा है कि अमेरिका ने दक्षिण कोरिया को अधिक शक्तिशाली मिसाइलों के निर्माण की इजाजत दी है जो उत्तर कोरिया के खिलाफ उसकी शत्रुतापूर्ण नीति का उदाहरण है। उसने चेतावनी दी है कि इससे कोरियाई प्रायद्वीप में विकट और अस्थिर हालात बन सकते हैं। बता दें कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया के नेताओं ने 21 मई को हुए शिखर सम्मेलन के बाद उत्तर कोरिया की यह पहली प्रतिक्रिया दी है। चीन की सरकार ने परिवार नियोजन से जुड़े नियमों में ढील देते हुए घोषणा की है कि अब दंपति 3 बच्चे पैदा कर सकते हैं। शी जिनपिंग की अध्यक्षता में हुई एक बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। इसके साथ ही कई अन्य सुविधाओं में भी बदलाव किए गए हैं। ये फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब हाल ही में चीन ने जनसंख्या से जुड़े आंकड़े अपने सार्वजनिक किए थे। आज भारतीय बाजार में सोने की कीमत में तेजी रही। कीमत धातु की कीमतों में तेजी के चलते दिल्ली सराफा बाजार में सोने के दाम 195 रुपए की मजबूती के साथ 48,608 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। पिछले कारोबारी सत्र में 10 ग्राम सोना 48,413 रुपए पर बंद हुआ था। हालांकि चांदी की कीमत 15 रुपए घटकर 70,521 रुपए प्रति किलोग्राम पर हो गई है। बीसीसीआई ने 29 मई को हुई अपनी वर्चुअल विशेष आम बैठक में आईपीएल के यूएई आयोजित करने का फैसला लिया था। टूर्नामेंट को स्थगित किए जाने के वक्त 29 मई को 29 मैच खेले गए थे जबकि 31 मैच अभी भी बाकी है। इन मैचों का आयोजन जानकारी के मुताबिक 17 सितंबर से शुरू होगा जबकि 10 अक्टूबर तक टूर्नामेंट को पूरा करने पर बीसीसीआई विचार कर रहा है। आईपीएल 2021 के बचे हुए हिस्से को संयुक्त अरब अमीरात में पूरा करने का भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की कोशिश जारी है और बोर्ड इसमें फिलहाल सफल होता दिख रहा है। हालांकि विदेशी खिलाड़ियों का मुद्दा है जिसका समाधान टूर्नामेंट की सफलता और रोमांच के लिए जरूरी है। इंग्लैंड के खिलाड़ियों का खेलना मुश्किल लग रहा है जबकि ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी को लेकर भी संशय बरकरार है। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। खबर नामा खबर।